चंबल की वादियों में निर्भय गुर्जर का नाम जाना जाता था, लेकिन निर्भय गुर्जर के मरने के बाद वो चंबल सूना सा पड़ गया है। और उनके मरने के बाद उनकी पत्नी रही नीलम गुप्ता जेल में चली गई थी। 13 साल का लंबा सफ़र जेल में तय करने के बाद फिर एक बार नीलम गुप्ता जेल से बाहर निकली है। नीलम से बात करेंगे, नीलम क्या चाहती हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं। नीलम जी, सबसे पहले आपका सर पर स्वागत है। अब आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप बीहड़ में पहुँची हैं? जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, ये तो सभी जानते हैं कि मेरा 13 साल में अपहरण हो गया था, मुझे स्कूल से उठा लिया गया था। उसके बाद जैसे मौका मिला तैसे भाग के मैंने आत्मसमर्पण कर दिया इटावा कोर्ट में आके, मैं और श्याम जाटव। आज मैं 13 साल के बाद निकली हूँ और मैं सिर्फ एक आम नागरिक की तरह रहना चाहती हूँ। जैसी सबकी पहचान है उसी तरह का मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। निर्भय गुर्जर से आपके क्या संबंध थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, जो भी था जबरदस्ती का संबंध था। अब आप बीहड़ का रास्ता छोड़ के शहर का रास्ता अपना लिया है, अब आगे क्या करने की सोचा है आपने? सोचने को क्या है, बीहड़ के विषय में तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। फिलहाल मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अभी फिलहाल ऑफर भी जैसे आए थे, अभी डायरेक्टर से भी बात हुई थी, मैं मुंबई भी जाना चाहती हूँ और मुझे राजनीति भी पसंद है। अब दोनों में से जहाँ की ऑफर आएगा मैं वहीं सेलेक्ट हो जाऊँगी। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में किस पार्टी में जाना चाहेंगी और क्यों? मुझे मोदी जी भी बहुत पसंद है और मुझे अखिलेश जी बहुत पसंद है। मुझे दोनों की पार्टियां बहुत ही ज़्यादा पसंद, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है इस देश के लिए शायद इतना कोई और कर सकता है। इससे पहले भी कोई बहुत से नेता आए जिसने काले धन के बारे में कभी नहीं सोचा, मोदी जी ने जो किया उनकी तो सराहना जितनी भी करे एक ईश्वर की तरह से कराना चाहिए। और अखिलेश यादव, उनकी तो कोई छवि अपने उत्तर प्रदेश में है ही नहीं और ना ही कोई बना सकता है। और आगे क्या प्लान है फिल्म इंडस्ट्रीज में, जिस तरह से सीमा परिहार ने नाम कमाया बिग बॉस में जाके, उस तरह की आप क्या क्या मंशा है? हाँ देखो, ऑफर तो आ रहे हैं डायरेक्टर लोगन के, अब किस्मत जहाँ साथ ले जाए। तो ये थी नीलम गुप्ता, जो कि दस्यु सुंदरी भी रही हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको दोनों पार्टी पसंद है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो या नरेंद्र मोदी की। इटावा से अनु चौरसिया, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके